अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मैं कराची में रहता हूं। आज मैं वहां पे हाज़िर नहीं हो सका, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो पे मुखातिब हूं। कैसे हैं आप लोग। आज के इवेंट का नाम है टैलेंट एक्सपो, और यहां पर आप लोग आए हैं दूसरों के टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। और आपके अंदर भी एक टैलेंट है, और हम सब के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है, और अल्लाह सुबहान ताला ने हमको उस टैलेंट के साथ इस दुनिया में भेजा होता है। लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं तो उस टैलेंट को हमें याद नहीं होता कि वो क्या टैलेंट क्या है, तो हमें भूल भुलैयों से गुज़र कर उस टैलेंट को ढूंढना पड़ता है कि वो टैलेंट एक्चुअली क्या है जिसको हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं और दुनिया के सामने रखने के लिए आए हैं। और फिर बड़े मज़े की बात ये होती है कि सारी दुनिया के जो लोग हमारी चारों तरफ होते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, ख़ानदान वाले, वो सब हमको एक रैप में बंद कर देते हैं। वो ही समझते हैं कि हमारा टैलेंट पप्पी के लड़के जैसा है, चाचा की लड़की जैसा है, और वही टैलेंट है जो कि उनमें है वो हम में भी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और हमें रैप कर दिया जाता है उन आइडियोलॉजीज़ के साथ, उन डिज़ाइंस के साथ, जिससे हम समझते हैं कि हम भी वैसे ही हैं या वैसे ही हमें होना चाहिए जैसे कि वो सामने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सबके अंदर एक अदद आवाज़ का आला लगा हुआ है, आप उसको कंपस भी कह सकते हैं, आप उसको आपका सेल्फ भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, सो आई एंड माई सेल्फ आर नॉट वन बट टू, और समटाइम्स दे सेड इट्स इवन थ्री। तो इस दुनिया में आने का जो पर्पस है, अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आधा जर्नी आपका तय हो गया, और बाकी वो जर्नी है जो कि आप तय करेंगे उस पर्पस को लोगों को दिखाकर। और जब आप वो पर्पस अपना दुनिया में सबके सामने अपना टैलेंट रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब इस पर्पस को फाइंड करने के अंदर एक सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है, और उस चैलेंज का नाम है खौफ। और वो खौफ उन चीज़ों से हमें आता है जो हमने कभी की नहीं होती। जब भी हमने कोई ऐसा काम करेंगे जिसके हमने कभी किया नहीं होता तो हमें उससे खौफ आता है, चाहे वो शादी का नाम हो, चाहे वो पढ़ाई का नाम हो, चाहे वो कॉलेज का नाम हो, चाहे वो एक नए अजीब से सब्जेक्ट का नाम हो, हमें उनसे खौफ आता है। और जब हमें खौफ आता है तो हम कहते हैं नहीं यार, हमें ये काम नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हमें नहीं करवाओ प्लीज़। लेकिन मज़ा ये है कि जब हम उस खौफ को हटा देते हैं और उसके उस चीज़ को करने लगते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। मिसाल के तौर पर शादी, सहेली वगैरह वगैरह। तो अब करें तो क्या करें, खौफ से छुटकारा कैसे हासिल करें और अपने आप को कैसे ढूंढें। आसान तरीन तरीका यह है कि आप जिस चीज़ से खौफ खाते हैं उसके बारे में इल्म हासिल करना शुरू करते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बारे में लोगों से बातें करना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि आपके अंदर से उस चीज़ का खौफ कम होता जा रहा है। और उसके अलावा आप नए नए लोगों से मिलें, नई नई किताबें पढ़ें, वियर्ड डिफरेंट चीज़ें पढ़ें। जब तब आप ये करेंगे, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, तो आपसे पूछेंगे आप कौन हैं। और जब आपसे वो ये पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने अंदर के जो आप हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात करने के बाद आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि आप एक्चुअल में हैं कौन और आपका काम क्या है। और जब आप ये काम कर लेंगे और करना शुरू कर देंगे तो फिर आप एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान कहलाएंगे। ये होता है टैलेंट मेरे ख़्याल में। मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, और कुछ कुछ ये समझ में आया है, जो समझ में आया है वो आप तक पहुँचा दिया है। अब उसमें कहीं गलती हो, चूक हो, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो आगे ज़रूर दूसरों को बताइएगा। अपना ख्याल कीजिएगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप आएँ मेरे फेसबुक पर, आएँ मेरे साथ कनेक्ट करें, और मेरे 500 दोस्तों से आप भी मुलाकात करें। और जब वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो अंदर आप झांकेंगे और आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि आप एक्चुअल में कौन हैं, और आप अपने आप को ढूंढ लेंगे। अब तो ख्याल कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।